नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 25 मार्च सन 2022 शुक्रवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पल्सेस के बारे में और मसालों के बारे में। मसालों के अंदर रामगंज मंडी से जो धनिए की खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही पल्सेस यानी दालों के अंदर बरेली, कानपुर, बहराइच, विदिशा से क्या समाचार है और क्या भाव है उसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे। एपिसोड को पूरे ध्यान से और अंत तक देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है मसाला पैक में। रामगंज मंडी से धनिया बाज़ार में तेज़ी दर्ज हो रही है और इसके जो आवक है वो लगभग 25 से 30 हज़ार बैग्स यानी बोरी है। बादामी 92/95 है, ईगल 98/105/107 है, स्कूटर 110 से 112 और ग्रीन 120 से 140 के भाव हैं। एक्स ग्रीन 140 से 180 के भाव बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर माल ग्रीन का ही आ रहा है, इसलिए बादामी और ईगल के बाल भी बहुत अच्छा बिकवाली में देखा जा रहा है। एवरेज माल जो है 82, 85 और 90 के भाव हैं। अब पल्सेस के बारे में, दाल बरेली, चना दाल 5850, चना दाल मोटी 6000, मलका दाल लाल पॉलिश 8300, काली पॉलिश 7700। तुअर दाल के बाद खबर आ रही है कि वहाँ 7400 के भाव बिक रहा है, फटका 7600, अकरा 7800 के भाव हैं। उड़द दाल बरेली से खबर आ रही है 7900 की, मूंग दाल छिलका 8000 और धोवा 9200 के भाव हैं। बायरिच से खबर आ रही है मसूर दाल 9700 और विदिशा से खबर है चना 4400 से 4900 के भाव बताई जा रही है और अराइवल लगभग 3000 बोरी की बताई जा रही है। मसूर 5900 से 6400 की और आवक यानी अराइवल 1000 बोरी बताई जा रही है। अब खबर कानपुर से, उत्तर प्रदेश लाइन की के अंदर की जो तुअर है वो 6250 या 50 रुपये की तेज़ी है, चने के अंदर 5200 रुपये 100 रुपये की तेज़ी है, मसूर 6825 है, यहाँ 75 की तेज़ी है। मटर के भाव 4800 से 5050 की तेज़ी है और मध्य प्रदेश लाइन एमपी लाइन की तुअर 6250 से 6300, चना 5125 100 रुपये तेज, मसूर 6825 75 रुपये तेज, मटर 4700 से 4950 के भाव हैं। दोस्तों याद रखना, मसूर, उड़द, मूंग, चना इन सब की विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पे उपलब्ध हैं। आने वाले 2 महीने इन दालों के अंदर क्या तेज़ी के रहेंगे या मंदी के। गौरतलब है हमने आपको 15 से 20 दिन पहले ही कुछ दालों के पल्सेस के ऊपर अपनी जानकारी दी थी, जीरे के ऊपर, धनिए के ऊपर अपनी विशेष जानकारियाँ दी थी जो कि सत्य साबित हुई। अनाज में वीट के अंदर तेज़ी की बात की थी, 1700 रुपये का गेहूँ 2500 रुपये तक बिका। इसके अतिरिक्त सोयाबीन के ऊपर अग्रिम चेतावनी, अग्रिम विश्लेषण दिया था, वो भी सत्य साबित हुआ। गवार सीट के ऊपर भी हमारा विश्लेषण सत्य साबित हो रहा है। तो दोस्तों, दलहन, तिलहन, कॉटन, कपास, कपास खली, इन सब की विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। याद रखना दोस्तों, रवी का जो सीज़न है इसकी सारी अराइवल सब सारी आएगी, सरसों हुआ, चाहे पल्सेज हुई, वीट हुआ, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट है जो ये बहुत उपयोगी साबित होती है बड़े स्टॉकिस्ट के लिए, मिलर्स के लिए जो बड़ी मात्रा में स्टॉक करना चाहते हैं। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।